गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन मैथ्स क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शनल नंबर. यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, ठीक है. यहाँ पे जो इसके कुछ पार्ट्स में जो है शेड है, कुछ पार्ट्स में शेड नहीं है. तो अगर हम इस पूरे को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम किस तरीके से करेंगे, 4/7, ठीक है. यहाँ पे जो 4 है वो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो अपॉन में आता है वो आता है टोटल. टोटल जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं इस स्ट्रिप के, ठीक है, वो टोटल अपॉन में आएगा, और जितने भी जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर आ गया. यानी कि 4/7 हम इस स्ट्रिप को एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे 4/7 क्या है, एक फ्रैक्शन है, और इसे हम बोल सकते हैं 4/7 जो है इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर. फ्रैक्शन है 4/7, और जो फ्रैक्शनल नंबर है वो है 4/7. नाउ अगर आप किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर लाइन पर डिनोट करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है. उस पर ओ ए जो है एक लाइन सेगमेंट ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने ओ और ए ले लिया है, ठीक है. अब जिस भी आपको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है उसका जो अपॉन वाला नंबर है उतने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में ओ से लेकर ए को आपको डिवाइड करना है. जैसे कि 4/7 को हमें करना है, 7 पार्ट्स में हम इस ओ से ए तक को डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ अब आपको कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट करना है, आपको 4/7 को रिप्रेजेंट करना है ना. तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो है ये 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2/7 को, इस तरीके से आगे बढ़ेगा. लेकिन आपको 4/7 को रिप्रेजेंट करना है तो वो आएगा यहाँ. तो यहाँ हम लिख लेंगे 4/7, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम इसे नेम दे देंगे, ठीक है. तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो अपॉन में जो नंबर है उतने ही पार्ट्स में आपको उसे डिवाइड करना है, देन आप जो भी फ्रैक्शन है आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं, और ये उनके फ्रैक्शनल नंबर हैं. जैसे कि 1/2 को हम बोलते हैं 1/2, 1/4 को 1/4, यहाँ पे नंबर लाइन भी शो की गई है इनकी. 2/3 को 2/3, 3/5 को 3/5, 5/8 को हम बोलते हैं 5/8. ये इनके फ्रैक्शनल नंबर हैं फ्रैक्शंस के. तो यहाँ पे व्हाट इज़ फ्रैक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी वो होगी द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन. ऐसे नंबर जो a/b की फॉर्म में, जहाँ पे a और b जो है दोनों ही क्या नेचुरल नंबर है, लाइक 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है. तो ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन करेंगे. तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है a और b. जो ए जो होता है यहाँ पे उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाला जो नंबर उसे न्यूमरेटर, और जो अपॉन में जो नंबर हो उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5A. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, आपको फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है शेडेड पोर्शन का. तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कल दिया है और 4 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है. तो हमें इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है. तो आपको पता ही चल रहा है कि कितने जो पार्ट है शेडेड पोर्शन कितना है, यहाँ पे शेडेड जो पार्ट है वो 3 है, और टोटल पार्ट आएंगे अपॉन में यानी कि 4, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/4. सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जो है ओनली 1 पार्ट शेडेड है, और टोटल जो पार्ट है 1, 2, 3, 4, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है. इस तरीके से सारे जो फ्रैक्शन है हम शो कर देंगे. लेकिन एक चीज़ और है कि फ्रैक्शन करने के लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि हर पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे. यहाँ पे जितने भी आपको दिए गए हैं सारे जो पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए हम उन्हें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ पे आपको शेड करना है ना, आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसमें 9 पार्ट्स हैं, आपको 4/9 शेड करना है. यानी कि कितने पार्ट्स को आप शेड करेंगे, तो 4 पार्ट्स को, तो कोई भी 4 पार्ट्स आप शेड कर देंगे, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट.
वो कह रहा है बस गिवन फिगर जो आपको दिया गया है इसमें वो कह रहा है कि जो शेडेड रीजन है 1/4 है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एरर क्या है। एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे जो सारे जो पार्ट्स हैं वो अनइक्वल है ना, यहाँ पे ये दो इक्वल है और ये दो इक्वल है, पर ये चारों इक्वल नहीं है ना। अभी मैं आपको बता चुकी फ्रैक्शन के लिए चारों पार्ट्स का इक्वल होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सो आपको लिख देना है कि ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल, सो दिस इज़ नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि 3/4 है, तो हम 3/4 को हम क्या लिखेंगे, 3/4। ऐसे ही 4/5 को 4/7, 2/5 को 2/5, ठीक है। बस इनके आपको फ्रैक्शन ही लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट डाउन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताना है। अभी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होगा यानी कि ए, वो होगा आपका न्यूमरेटर, तो इसके सामने हमने लिख दिया एन, और नीचे वाला जो होगा वो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है हमारा 4 होगा, डिनोमिनेटर होगा 9। इस तरीके से सारे नंबर्स में आप बता दोगे, जैसे लास्ट वाला है इसमें न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर होगा आपका 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच, सेम बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको फ्रैक्शन बताना है, न्यूमरेटर दिया है डिनोमिनेटर दिया है, तो कितना होगा इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि 3/8, ठीक है। इस तरीके से सारे पार्ट्स आपको नोट करने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रैक्शन नंबर बताना है ना, जो वर्ड्स की फॉर्म में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट को जो लिखेंगे ये कैसे लिखेंगे हम इसे, 2/3 को 2/3, 4/9, 2/5, 7/10, ठीक है। तो इस तरीके से सारे जो है आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 24 मिनट। वो कह रहा है कि क्या फ्रैक्शन बनेगा आर का 24 मिनट से, है ना। अब आपको पता है 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम फ्रैक्शन निकालें दोनों को सेम होना ज़रूरी है, यहाँ पे मिनट है तो इसे भी मिनट में करेंगे, यानी कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 24/60। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नेचुरल नंबर आर देयर 2 to 10। वो कह रहा है 2 से 10 तक कितने नेचुरल नंबर आते हैं, तो कितने आते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 9 नंबर आते हैं। फिर वो कह रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ठीक है, एंड 10 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब वो कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर से फ्रैक्शन बताना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 3 है, 5 है, 7 है और 2। तो टोटल प्राइम नंबर है हमारे 4, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 4/9, ठीक है। 4 प्राइम नंबर और टोटल जो नेचुरल नंबर होगा 2 से 10 तक वो 9 हो गए, तो 4/9 आपका फ्रैक्शन बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज डिटरमाइन 2/3 of 15। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/3 of 15 निकालना है। 3 से 15 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 2 10, तो 10 पेंस इज द आंसर। इस तरीके से करने हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसे ही आपको इसी की तरह ही करना है। 4 से 16, 4 टाइम्स कट हो जाएगा एंड 4 3 12, तो 12 कप्स आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम हैज़ 25 पेंसिल। नीलम के पास 25 पेंसिल हैं। शी गिव्स 4/5 ऑफ डैम टू मीना। उसने 4/5 जो है उन पेंसिल का मीना को दिया है। तो हाउ मैनी पेंसिल डज मीना गेट। तो मीना को कितनी पेंसिल मिली एंड हाउ मैनी पेंसिल आर लेफ्ट विद नीलम। और नीलम के पास कितनी पेंसिल बची। तो सबसे पहले उसके पास 25 पेंसिल हैं, तो हमने 4/5 निकाल लिया किसका, 25 का, यानी कि 25 × 4/5, 5 से 5 25, 5 4 20, यानी कि 20 पेंसिल तो उसने नीलम को दे दी। अब जब नीलम को दे दी 20, तो कितनी बची उसके पास, 5 ना, सो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 and 5। क्वेश्चन नंबर 13, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन अभी आपको मैंने बताया था 3/8 को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस पर 2 पॉइंट लेने हैं, ओ आर ए, ठीक है। अब नीचे आपको देखना 8 है ना, तो यहाँ पर हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आपको 3/8 को करना है, तो सबसे पहले 1/8, 2/8, 3/8 हमारा यहाँ आएगा नंबर। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट भी लिख लेते हैं कोई सभी, तो ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही सारे नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 9 है
यहाँ पे तो 9 पार्ट्स में करना होगा, 7 है तो 7 पार्ट्स में, 5 है तो 5 पार्ट्स में, 4 है तो 4 पार्ट्स में, करने सारे सेम ही आपको। सो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक और नोटबुक दोनों में कंप्लीट करनी है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज।